हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके लिए काफी खास कहानी लाई हूँ। ये कहानी है जापान के संस्कृति की, जो 1870 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हमें जापान के नए राजा मेजी के बारे में बताया जाता है। मेजी के काउंसलर होते हैं मिस्टर उमरा, जिन्होंने जापान में काफी सारी पश्चिमी चीजें लाई थी। तो वही जापान के जो योद्धा रहते हैं यानी समुराई, जो इन वेस्टर्न चीजों को अपनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके अनुसार पाश्चिमात्य संस्कृति जापान के संस्कृति के लिए हानिकारक। तो वही एम्परर मेजी का काउंसलर ओमुरा एक इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है, जो अपने फायदे के लिए बाहर के देशों के लोगों के साथ सौदा करता था, जो समुराई को खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि सारे समुराई वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ थे। इसी दरमियान वो एम्परर मेजी का खास आदमी बन जाता है और उन्हें बताने लगता है कि कैसे आज के जमाने में हमें वेस्टर्न चीजों की जरूरत है, जिसमें एम्परर मेजी भी इन सारी चीजों के लिए मान जाते हैं। वही हम कात्सुमोटो को देखते हैं, जो कि समुराई का लीडर था, जो कि अतीत में एम्परर मेजी का सलाहकार रहा करता था, लेकिन वो अमुरा के वेस्टर्नाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ थे। इसीलिए अमुरा के सेना के खिलाफ वो जंग का ऐलान करता है। मूवी शुरू होती है तब साइमन नाम के आदमी से हम समुराई की कहानी सुनते हैं, जहाँ पे कात्सुमोटो ध्यान कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक विजन आता है एक योद्धा का, जो अपने आखिरी समय तक लड़ रहा होता है। अब ये शॉट इधर ही कट होता है और हम अमेरिकन सोल्जर नेथन को देखते हैं, जो आर्मी से रिटायर होके अब एक परफॉर्मर का काम किया करता था, लेकिन हमेशा शराब में धुत रहता था। अब नेथन परफॉर्मेंस देते हुए अचानक से अपनी गन लोड करता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लग, जिससे लोग काफी डर जाते हैं। नेथन की कहानी कुछ ऐसी रहती है कि वो अमेरिकन सोल्जर था और नेटिव अमेरिकन के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ था, जहाँ पे अपने कैप्टन के कहने पर उसने ना चाहते हुए भी बेकसूर लोगों के ऊपर फायरिंग करके उन्हें मार डाला था। इसी गिल्ट और सदमे के कारण वो वापस आने पर अपना जॉब छोड़ देता है। उसे आज भी अपने किए हुए बुरे कर्मों के सपने आया करते थे, इसीलिए शराब के नशे में धुत रहता था। अब वो यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे उसके पुराने साथी आते हैं और वो उसे कहते हैं कि उसके लिए एक जॉब है, और वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेके आते हैं, जहाँ पे वो अपने पुराने बॉस बेजली से मिलता है, जिसे देख वो काफी गुस्सा होता है, क्योंकि बेजली ही वो इंसान था जिसके कारण उसने मासूम लोगों को मार डाला था। अब यहाँ पे वो बैठ जाता है। बेजली के साथ जापानीज कमांडर ओमारू था। जॉब ऑफर करता है कि उसे जापान जाके ओमुरा के शाही आर्मी को, रॉयल आर्मी को उसे ट्रेन करना होगा। यहाँ पे नेथन काफी फेमस आर्मी ऑफिसर रह चुका था, उसने काफी सारे किताबें भी लिखी हुई थी और इसीलिए उसकी मदद चाहता था। अब नेथन काफी सोचने के बाद कहता है कि वो ये काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, लेकिन अगर उसे मौका मिला तो वो बेजली की जान फ्री में भी ले सकता है, क्योंकि उसके कारण ही आज उसकी ये हालत थी। अब कुछ समय के बाद नेथन कैप्टन जेमलिन के साथ जापान के पोर्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात साइमन से होती है, जो कि उसका ट्रांसलेटर भी था। साइमन उसे बताता है कि जापान के एम्परर ने यहाँ पे तरक्की के लिए बाहर के देशों से आर्किटेक्ट, फ्रांस से इंजीनियर और डॉक्टर्स को भी बुलाया है, और अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए तुम्हें एज अ वॉरियर बुलाया है। अब यहाँ पे नेथन एम्परर से मिलता है, जो उसका जॉब लेने के लिए उसे काफी थैंकफुल थे। इसके बाद हम नेथन को जापानी सोल्जर्स को ट्रेन करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पे पता चलता है ये सारे जापानीज आर्मी के लोग दरअसल किसान हैं, जिन्हें बंदूक पकड़ना भी नहीं आ रहा था। इसी दरमियान उन्हें पता चलता है कि जापानी समुराई ने एक रेल ट्रैक पर हमला कर उस एरिया को घेर लिया है और उस जगह को कब्जे में कर लिया है। अब यहाँ पर बेजली चाहता था कि जापानी सोल्जर वहाँ जाकर समुराई से लड़े, लेकिन नेथन मना करते हुए कहता है कि हमारे सोल्जर्स डिफेंस या अटैक के लिए भी तैयार नहीं है, और अपनी बात प्रूव करने के लिए वो अपनी जान को खतरे में डालकर एक सोल्जर को उसे शूट करने के लिए कहता है। लेकिन जब सोल्जर उसकी बात नहीं मानता, तभी नेथन उसके कैप्टन को शूट करने जाता है, जिसे डर कर सोल्जर गोली चलाता है, पर वो गोली नेथन को नहीं लगती, और फिर वो बेजली से कहता है कि तुम देख सकते हो कि हमारे सोल्जर तैयार नहीं है, लेकिन बेजली उसकी बात नहीं मानता और वो सबको ऑर्डर देता है कि हम कैटुमोसो से सुबह 6 बजे लड़ेंगे। अब कुछ लोगों को ट्रेन करके आगे बढ़ते हैं और काफी सारे लोग डरते हुए राइफल पकड़ते हैं, लेकिन काफी सारे लोग ये भी नहीं जानते थे कि उन्हें लड़ाई के वक्त करना क्या है। अब लड़ाई के मैदान में पहुंचने पर सामने से घोड़ों पर समुराई आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं, और जापानी सोल्जर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें काफी समुराई भी मारे जाते हैं, लेकिन सोल्जर्स को गन को लोड करने के लिए काफी टाइम लगता है। तब तक समुराई इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे इनकी काफी घमासान लड़ाई होने लगती है। समुराई को देख काफी सारे लोग तो जंग के मैदान से भाग जाते हैं। यहाँ पे नेथन
नेथन के साथ जो सोल्जर्स थे वो भी भाग गए थे, पर नेथन और उसका साथी समुराई के साथ तलवार से लड़ रहे होते हैं। पर तभी समुराई नेथन के साथी को भी मार देते हैं, लेकिन नेथन हार नहीं मानता और अचानक से ध्यान कहीं बटने पर वो घोड़े से गिर जाता है। लेकिन वो अभी भी समुराई से लड़ रहा था। तभी हिरोतारो नाम का एक समुराई जो काजुमोटो का साला था वो नेथन को मारने वाला होता है, लेकिन नेथन साइड में पड़े स्पीयर से उसे मार देता है। तभी आसपास के सारे समुराई उसे मारने आते हैं, लेकिन काजुमोटो उन्हें रोक लेता है। यहाँ पे नेथन को लड़ते देख काजुमोटो को अपना वही विजन याद आता है जो योद्धा आखिरी समय तक लड़ रहा था। अब ये लोग उसे पकड़ के जिंदा अपने गांव लेके जाते हैं और धीरे धीरे वो रिकवर करने लगता है। यहाँ पे उसका ख्याल टाका नाम की लड़की और उसके दो बेटे रख रहे थे। टाका और कोई नहीं बल्कि हिरोतारो की ही पत्नी थी, जिसे नेथन ने खुद लड़ाई में मारा था, जिसके कारण वो उसका काफी गुस्सा कर रही थी। और नेथन भी ये बात जानने पर काफी गिल्टी महसूस करने लगता है। लेकिन काजुमोटो अपने बहन टाका को समझाता है कि इस लड़ाई में नेथन ने जानबूझ के हिरोतारो को नहीं मारा है, उसे सेल्फ डिफेंस में उसे मारना पड़ा। अगर नेथन उसे नहीं मारता तो वो नेथन को मार देता और हिरोतारो शहीद हुआ है। यहाँ पे काजुमोटो का अपने बहन टाका के लिए आदेश होता है कि वो नेथन का ख्याल रखे और उस पे नजर रखे, क्योंकि काजुमोटो को नेथन के बारे में और जानना था, क्योंकि वो खुद नेथन की तरह एक लेखक था और उसने नेथन की लिखी किताब कैप्टन एलग्रेन स्टडी ऑफ ट्राइब को पढ़ा था, जो उसे नेथन के ही सामान से मिली थी। उस किताब में नेथन ने जापानीज के पुरानी संस्कृति के बारे में लिखा था, क्योंकि समुराय अपनी पूर्वज और अपनी संस्कृति को काफी ज्यादा मानते हैं। वो नेथन की लिखी हुई बुक से काफी प्रभावित हो जाता है। उसे अपने विजन के अनुसार लगने लगता है कि नेथन वही योद्धा है जो समुराय की मदद करेगा। यहाँ पे धीरे धीरे नेथन अपने शराब की लत से और उन डरावने सपनों से ठीक होने लगता है। वो समुराय के साथ समय बिताने लगता है और उनके सादी जीवन शैली को देखकर वो बहुत ही प्रभावित होता है और अपने इस अनुभव को भी वो अपनी डायरी में लिखने लगता है। नेथन को पूरी जिंदगी में अब तक कभी भी इतनी शांति और सुकून महसूस नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे गांव की सारी चीजें उनकी भाषा और तलवारबाजी सीखने लगता है और इसी तरह समुराय भी उसकी इज्जत करने लगते हैं। काजुमोटो का बेटा लोबुटाडा और टाका के दोनों बेटों को भी नेथन से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है और धीरे धीरे टाका को भी नेथन पसंद आने लगता है। एक शाम को गांव में एक नाटक का प्रयोजन हो रहा था, तभी अचानक से निंजा असैसिन इनके गांव पर हमला कर देते हैं। यहाँ पे वे लोग काजुमोटो को मारने के लिए आए थे, लेकिन तभी नेथन सभी को आगाह कराता है हमले के बारे में और नेथन अपने तलवारबाजी से काफी सारे निंजास को हरा देता है और देखते ही देखते सारे समुराय मिलकर निंजास को हरा देते हैं। लेकिन गांव का काफी नुकसान हुआ था। नेथन के अनुसार इस हमले के पीछे ओमुरा का हाथ था। अब इस लड़ाई के बाद काजुमोटो नेथन के लिए अपना बर्ताव बदल देता है और उसे अपना खास दोस्त मानने लगता है और इसी कारण से उसे वापस शहर में छोड़ देता है। अब वापस लौटने के बाद नेथन को पता चलता है कि बैजली ने इस जापानी सेना को और भी आधुनिक बना दी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूएस से काफी ज्यादा गन भी लाए हुए हैं। ओमुरा नेथन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है कि नेथन अब इस सेना का कमांडर बन के समुराई के साथ लड़ाई जीतेगा, लेकिन नेथन इस ऑफर को ठुकरा देता है। तो वही दूसरी जगह हम काजुमोटो को देखते हैं जो एम्परर मेजी से मिलने जाते हैं और एम्परर से जापान और समुराई के लिए एक सही निर्णय लेने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे काजुमोटो को समझ आता है कि मेजी ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और ओमारू जैसे लोगों के वश में आकर बस अपनी खुर्सी बचाने के लिए उसकी चीजें मान रहे हैं। अब यहाँ पे एम्परर की काउंसलर मीटिंग रहती है, जिसके दरमियान ओमुरा ने नया नियम लाया था कि कोई भी अपनी तलवार पब्लिकली नहीं ला सकता, लेकिन काजुमोटो ये नियम नहीं मानते और तभी ओमुरा एम्परर की तरफ से समुराई काजुमोटो को अरेस्ट कर लेता है। यहाँ पे नेथन को पता चल जाता है कि काजुमोटो को अरेस्ट कर लिया गया है और आज रात के समय ही उन्हें मार दिया जाएगा। इसलिए नेथन अपने कुछ समुराई साथी और ग्राम की मदद से काजुमोटो को बचा ले जाता है, लेकिन इसमें काजुमोटो का बेटा शहीद हो जाता है। अब बाद में काजुमोटो को खबर मिलती है ओमुरा अपने 2000 सेना के साथ उनके गांव पर हमले के लिए बढ़ रहा है। वही काजुमोटो के सिर्फ 500 के करीब समुराइज होते हैं और उन्हें लगने लगता है कि इसी के साथ सारे समुराइज मारे जाएंगे। लेकिन तभी
तभी नेथन उन्हें ग्रीक और पर्शियन वॉर के बारे में बताता है। तभी सिर्फ 300 ग्रीक सोल्जर्स ने लाखों पर्शियन सेना को 3 दिन तक रोके रखा था। उन्होंने अपने इलाके का फायदा उठाकर पर्शियन सेना को हराया था। ठीक वैसा ही हमें अपनी जगह का फायदा उठाते हुए दुश्मन सेना को हराना है। अब जब युद्ध का दिन आता है तब टाका भी अपने फीलिंग्स नेथन के लिए जाहिर करती है और अपने शहीद पति का समुराय का आर्मर पहनने के लिए देती है। यहाँ पे कात्सुमोटो भी समुराय की तलवार कटाना उसे भेंट देते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले नेथन अपने लिखित किताब साइमन को देते हुए कहता है, जापान की संस्कृति और उसने जो भी यहाँ पे महसूस किया उसके बारे में पूरे दुनिया को बता सके। अब युद्ध के दौरान ओमुरा की सेना तोफों से समुराय के ऊपर हमला करने लगती है। अब प्लान के अनुसार तोफ से बचने के लिए ऊंचे पहाड़ की तरफ बचने के लिए चले जाते हैं और इसीलिए तोफ के रेंज से वे लोग दूर चले जाते हैं। ओमुरा ये देख काफी गुस्सा हो जाता है और अपने पूरे सेना को हमले के लिए तैयार करता है। लेकिन यहाँ पे बैजली को पता होता है कि ये जरूर एक चाल है, इसीलिए वो सेना को टुकड़ों में भेजता है। दुश्मन को बढ़ता देख उनके झुंड को तोड़ने के लिए समुराय आसपास के जगह पे आग लगा देते हैं और जब सेना पूरी तरीके से उनके जाल में फंस जाती है तभी नेथन और कात्सुमोटो अपनी सेना के साथ उन पर हमला करते हैं। बैजली अपने एक टुकड़ी को हारता देख तुरंत दूसरे टुकड़ी को भेज देता है, लेकिन समुराय भी दो टुकड़ों में बटे हुए थे और घोड़े पे बैठे हुए वॉरियर आकर उन्हें भी घेर लेते हैं और यहाँ पे बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में ओमुरा की बची हुई कुछ सेना हार मानकर पीछे लौट जाती है। तो वही हम समुराय की सेना को देखते हैं जहाँ पे कुछ ही घोड़सवार बचे होते हैं, यानी कि समुराय की हार पक्की थी क्योंकि ओमुरा जल्द ही अपनी दूसरे सेना को भेजने वाला था। इसीलिए कात्सुमोटो और नेथन अपने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला करते हैं और अपने बचे हुए योद्धाओं के साथ ओमुरा और उसके बेस पर अटैक करते हैं। समुराय उसको अपनी तरफ आता देख बैजली और उसकी सेना उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है। तो वही बैजली कात्सुमोटो को घायल कर देता है और वो उसे पूरी तरह मारे उसके पहले ही नेथन अपने तलवार से उसके ऊपर वार करता है और इसी तरह वो अपना बदला ले लेता है। तो यहाँ पे ओमारो की सेना अपने नए वेपन्स के मदद से समुराय पर भारी पड़ने लगती है, लेकिन समुराय अपनी संस्कृति बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ रहे थे। ये देख जापनीज कैप्टन अपनी सेना को हमला करने से रोकता है। तो वही दूसरी जगह पे हम कात्सुमोटो और नेथन को देखते हैं। यहाँ पे समुराय के ऑनर के अनुसार अगर समुराय अपनी हार या किसी शर्मनाक चीज को झेल नहीं सका तो वो खुद की जान ले लेता है या फिर दूसरे समुराय के मदद से अपनी जान दे देता है। यहाँ पे कात्सुमोटो भी युद्ध में अपनी हार के कारण जख्मी पड़े नेथन के मदद से अपनी जान दे देते हैं और शहीद हो जाते हैं। ये देखकर जापान की रॉयल आर्मी उनके सामने अपना सर झुका देती है। इस युद्ध के बाद अब जापान में बस एक आखिरी समुराय बचा होता है, यानी के नेथन एल्ग्रिन। कुछ समय के बाद US एम्बेसडर खुद जापान आते हैं और एम्परर मेजी से नए हथियारों का सौदा करने ही वाले होते हैं कि तभी घायल नेथन वहाँ पे आ जाता है और समुराय और कात्सुमोटो की आखिरी निशानी यानी उनकी तलवार एम्परर को भेंट देता है और उन्हें याद दिलाता है कि उनकी संस्कृति और उनके सीख के अनुसार ये चीज उनकी है। और तभी एम्परर को याद आता है कि उसके गुरु ने उसे क्या सीख दी थी कि राजा बनना यानी अपनी प्रजा, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता की रक्षा करना है। और फाइनली एम्परर को ये चीज क्लियर होती है और इसीलिए वो US के द्वारा किया गया वो सौदा रद्द कर देते हैं, जिसे देख ओमारू आग बबूला हो जाता है और उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहता है। और यहाँ पे एम्परर को समझ आता है कि ओमारू सिर्फ अपनी जेब भर रहा था सौदे के थ्रू और इसीलिए सजा के तौर पर एम्परर ओमुराई की सारी संपत्ति को सीज कर गरीबों में बांटने का फैसला करते हैं। ओमुरा को यह अपमानजनक लगता है और गुस्सा होने लगता है, इसीलिए एम्परर गुस्से में वही कात्सुमोटो का तलवार उसे देते हुए कहते हैं कि अगर ये शर्मनाक है तो तुम इसी से अपनी जान ले लो। लेकिन ओमुरा में इतनी हिम्मत कहाँ थी, इसीलिए वो पीछे झुक जाता है। अब इसके बाद आखिरी में हम नेथन को देखते हैं, जहाँ पे नेथन अपने गांव यानी समुराय के गांव में टाका के पास वापस लौट आया था और साइमन पूरे दुनिया को ये कहानी बताने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।